बोले फरिश्ते करके ये दुनिया की सैर के या खुदा दुनिया तेरी सुनी है औरत के बगैर। उठ पड़े हिकमत दिखाने के लिए कुदरत के हाथ, सोच ली मौला ने औरत को जन्म देने की बात। इस तरह मालिक ने की कारीगरी की इब्तिदा के चांद से मांगा उजाला, नूर सूरज से लिया रूप सैयारों से मांगा, रंग उषा से लिया पंखड़ी से ली नजाकत और कलियों से अदा। शाम से काजल लिया और सुबह से गाजा लिया, बिजलियों से कैर मांगा आग से गुस्सा लिया, हौसला चट्टान से और दर्द पंछी से लिया, आसमां से जुल्म मांगा सब्र धरती से लिया, शाख से अंगड़ाइया झरनों से इठलाना लिया, बुलबुले से नाजुकी नदी से बलखाना लिया, आईने से हैरतें तस्वीर से खामोशियां, लहर से अटखेलियां मांगी पवन से शोखियां, आंख ली हरनी से और शबनम से आंसू ले लिया, बदलियों से जुल्फ नजारों से जादू ले लिया, लाजवंती से शर्म और रात रानी से हया, आबरू मोती से ली सूरजमुखी से ली वफा, जहरु नागन से लिया और सांप से डसना लिया, काटना बिच्छू से मांगा तीर से चुभना लिया, लोमड़ी से मांग ली ताम्र की मकारियां, मक्खियों से शोर और मच्छर से ली अय्यारियां। इतनी चीजें जमा होकर जब लगी मौला के हाथ और इन सबको मिलाया जब खुदा ने एक साथ, तब कहीं जाकर बड़ी मेहनत से एक मूरत बनी, दिल नशी पैकर बना एक दिल रूबा सूरत बनी। देखकर अपनी कलाकारी को मौला हंस पड़ा और उसी अनमोल शय का नाम औरत रख दिया। रख चुका जब नाम उसके बाद यूं कहने लगा, क्या मैं बना कर तुझे खुद परेशान हूँ, मैं बना कर तुझे खुद परेशान हूँ, तुझको दुनिया